जो हम जप करते हैं, किसी भी मंत्र के साथ भले हम करें, जप जो है वो बहिर्मुखी मन को आदत जो पड़ गई है सोचते रहने की, उसकी सोच को हम एकदम से तो रोक नहीं सकते क्योंकि आदत ट्रेनिंग है उसका। तो हम मन को ये कहते हैं कि मन तुम अभी कुछ समय सिर्फ इस मंत्र को कर। तो अगर आपको एक समय में आप बैठते और हजारों इधर उधर के विचार चलते हैं, और विचार तो हमेशा ही चलते हैं, पर हम जब बाहर कामों में लग जाते हैं तो मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं वो हमें दिखते नहीं। ऐसा नहीं कि वो चल नहीं रहे होते। बहुत लोग बोलते हैं कि जब बैठते हैं तो इतने विचार आते हैं इसलिए हम बैठ नहीं पाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। विचार सिर्फ उसी समय नहीं आते हैं, विचार सारा समय आ रहे होते, पर आपको दिखते तब है जब आप बैठते हैं। अगर आप बैठेंगे ही नहीं तो विचार दिखते ही नहीं है। और जब आप बैठते हैं, अब आँख बंद करी, तब जब देखो, अब इस समय आप आँख खुली में जब देखते हैं तो लोग हैं, आसमान है, पेड़ है, पंछी हैं, व्यक्ति हैं, गाड़ियाँ हैं, कितना कुछ नज़र आता है। और फिर हम जो भी चीज़ देखते चाहे न चाहे, हमारा अचेतन जो मन है, अवचेतन मन, वो उसके बारे में कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कर देता है। जैसे बादल दिखा तो लगा अरे ये बादल नहीं आना चाहिए था, आज क्यों आया, या ये आया बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने पेड़ देखा, अब पेड़ दिखते ही तो मन फिर विचार करता है अरे अच्छा ये पेड़ अच्छा नहीं लग रहा, या बड़ा अच्छा लग रहा है, या इसके पत्ते कैसे हैं, या तो बड़े अच्छे पत्ते हैं, या अच्छा ये तो मुरझा गया है। कुछ कमेंट्स तुम्हारा मन हर देखी गई छोटी बड़ी चीज़ के बारे में मन के पास कुछ ना कुछ कहने को है, और ये इतनी स्पीड से चल रहा है, और इतनी स्पीड से विचार आते हैं कि हमको नॉर्मली अब क्या वो फील भी नहीं होता कि हमारा मन कुछ सोच रहा है। ये इस समय पक्षी की आवाज़ आ रही है, मैं चुप करूंगी तो आप जैसे जैसे कहूंगी तो अभी ज़्यादा फोकस ध्यान जाएगा कि ये आ रही पक्षी की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़ आ रही, दूर कहीं म्यूजिक चल रहा है, हवा चल रही है, पत्ते की सरसराहट हो रही, लेफ्ट राइट में कोई खांसी कर रहा है, किसी ने बाँह आपके हिला दी है। तो जब आप सुनने लग जाएंगे तो आवाज़ें और बड़ी हो जाएंगी। आवाज़ें तो पहले भी थी, पर हमको वो आवाज़ें न तो दिखाई दे रही हैं, ना हम उनके बारे में कुछ सोच रहे हैं, पर आवाज़ें थी सब। ऐसे ही जब हम आँख खोल के देखते हैं तो दुनिया में हज़ारों चीज़ें हमें दिख रही हैं, सैकड़ों चीज़ें एक ही समय में हमको दिख रही हैं। और जब चीज़ें दिखती हैं तो हजारों चीज़ों के बारे में थोड़ा या ज़्यादा मन कुछ ना कुछ अपना उपदेश कर ही देता है। पर जैसे ही आपने आँख बंद करी और वो हजारों चीज़ें अब दिखनी बंद हो गई, तो आप मन कोई कमेंट्री तो कर नहीं सकेगा, पर मन को आदत पड़ी है बोलने की। तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो कुछ पिछली यादें निकाल लेगा, कुछ आने वाली यादें निकाल लेगा, कुछ ऐसा वो प्रवाह विचारों का चलाएगा कि आपके लिए वो एक समस्या बन जाता है। और फिर बेफिजूल क्या क्या सोच आती है, तो वो सोच तकलीफ देती है। तो आप तकलीफ में आकर के आँख खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि मन 10 जरूरी काम याद करा देते, ये करना था, ये करना था, ये करना था, ये। तो सारे अधूरे भूले काम उसी समय वो आपको याद करा देगा जब आप मन को चुप कराने बैठे। एक बेचैनी ला सकता है, एक घबराहट ला सकता है, और अगर ये दोनों नहीं आए तो नींद आ जाती। कुछ ना अगर मन सोचे तो मन नींद ला देता है। वो कहता है भाई तुमको अच्छी चीज नहीं मैं करने दूंगा, और मेरा जो कंट्रोल है तेरे ऊपर उसको मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हें वो कंट्रोल अपने हाथ में लेने नहीं दूंगा। तो मन बहुत सी गेम्स खेलता रहता है। बैठे बेवजह खी जा रही है कि आसपास कहीं संगीत चल रहा तो लगी, क्यों चल रहा है संगीत, लोग पागल हैं, चलाते ही क्यों हैं, तो मैंने उसी के ऊपर मन में प्रवचन चल जाएगा। किचन में पत्नी बर्तन खड़काए जा रही है, कुछ पका रही है, बर्तन गिर रहे हैं, इधर बच्चे शोर कर रहे हैं, इधर पड़ोसी के बच्चे रो रहे हैं, इधर गाड़ियां चींपां कर रही हैं। अब आप बैठे थे कि हम मन को शांत करेंगे, पर जैसे ही आंख बंद करी दुनिया भर की आवाजें सुनने लग गई, और मन दुनिया भर की चीजों के बारे में कमेंट्री करने लग गया। तो ऐसी स्थिति में उचित यह रहता है कि व्यक्ति लड़े नहीं कि ये सब विचार क्यों आ रहे हैं, मन की आदत है, करेगा वो। तो जब क्या है कि आप एक विचार, एक मंत्र का विचार चुनते हो कि मैं अब ये मंत्र का ही विचार करूंगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो शुरू में बहुत ज़्यादा फिर भी मन खलबल करता है, इधर उधर विचार आते हैं, पर जितनी भावना, श्रद्धा, वैराग्य होगा तो उतना ही जल्दी वो मंत्र करने का आनंद अगर आना शुरू हो गया। और वो तब आएगा जब आप सही विधि से करेंगे, सही तरीके से करेंगे। तो आप सही विधि से करें और मन को सुख लगने लग गया तो मन है सुख का लोभी, जहां सुख मिलेगा वहीं पहुंच जाता है। अब सुख मिल रहा है अगर मंत्र से, तो मन क्या है, मंत्र के साथ ही एक हो जाएगा। तो मन और मंत्र का एकीकार हो जाएगा, अंदर सुख आ जाएगा, तो मन बाहर जाने ही क्यों चाहेगा। पर शुरू में जब जप करने बैठते हैं तो मन अपना पूरा ड्रामा दिखाता है, पूरी नौटंकी उसकी चलती है। तो अक्सर लोग उस नौटंकी को देख के घबरा जाते हैं, जब छोड़ देते हैं। अब वो सही तरीका सीखे नहीं है करने का, तो उनसे होता ही फिर कुछ नहीं है। तो पहले पहल जप करना मन का अंतर्मुखी बनाने में बहुत सहायता देता है, बहुत। वो तुलसी कहते हैं, बाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। के भावना से करो या बिना भावना के करो, और पूरा आलस छोड़ करके बस जप करो, आपका मंगल ही मंगल होगा दसों दिशाओं में। तो लोग करते हैं ऐसा, जब दोहा सुनते हैं तो बड़ा एक लगता है कि चलो अगर ना भी मन लगे तो भी करो, लग जाए मन तो भी करो, तो रोज करो, तो रोज करो, तो रोज करो। अब जितना जितना वो वैराग्य अंदर बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा, तो निश्चित मन टिकेगा, मन टिकेगा, और तो मन को अच्छा लगेगा, तो अगली बार दोबारा बैठने की चाह और हो जाएगी। तो शुरुआत में जब उचित रहता। अब ये जो आपने अनुष्ठान किया है, अब उसमें क्या हम एक नियम के साथ अपने आप को बांध लेते, क्योंकि ऐसे है ना कि आप 10 मिनट बैठोगे, 15 मिनट, 20 मिनट बैठे, पर आपने जब एक मात्रा चुन ली, यू नो, यू फिक्स अप नंबर दैट आई विल एट लीस्ट डू दैट मच, तो उतना करने के लिए उतना देर तो बैठना ही होगा। तो ये जो होता है कि 11 माला करेंगे कि 15 माला हम जप करेंगे, यू नो, 10 राउंड्स ऑफ द बीड्स और द 15 और 20 डिपेंडिंग ऑफ व्हाट यू चूज। तो आप अपने आप को खुद को लिमिट करते हो और एक संकल्प करते हो, और ये एक तपस्या भी हो जाती कि ऐसे तो नहीं बैठते, पर अब इस चक्कर में बैठेंगे। हम चुना हमने है तो खुशी से कर रहे हैं, थोड़ा पैर वैर सो जाए तो भी कहता कोई बात नहीं मंत्र करेंगे, तो अपने आलस से भी लड़ लेता है। और अब फिर वही बात आती है, अगर विधि से करेगा तो मन अंदर लगने लग जाएगा। तो जब मन लगने लग गया तो वो 1 घंटे का 1.5 घंटा भी बैठ जाए तो उसको परेशानी नहीं होगी, अच्छा लगेगा बल्कि। तो लंबे काल तक जब इस तरह हम जप करते रहते हैं, अब आप देखिए मन एक समय में हजारों विचार कर रहा था और हमने हजारों विचार उससे छीन लिए और उसके हाथ में मंत्र पकड़ा दिया कि बेटा ये कर तू। तो 999 थॉट्स ना सही तो कम से कम 600 थॉट्स रह जाएंगे, 400 तो जाएंगे ही जाएंगे। क्यों? हम मन को जगह ही नहीं दे रहे कुछ और सोचने के लिए। तो मंत्र 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 मंत्र, तो जो मन को अंतर कर दे वही मंत्र है। जो मन को टिका दे, अंदर ले जाए, वही मंत्र है। और मंत्र जो भी भाव से चुने कोई, क्योंकि किसी की किसी में आस्था है, किसी की किसी में आस्था है, तो डजेंट मैटर्स। सो इसलिए जप का बड़ा महत्व होता है। तो जिनका मन अधिक चंचल है, जिनके मन में एकाग्रता नहीं है, उनको जप अवश्य करना चाहिए और नियमितता से जप करना चाहिए। जैसे यहाँ की मैं बात करती हूँ, 8:30 बजे ठीक नाश्ता लग जाएगा तो 8:30 और 9 बजे के बीच में सब खाने पहुँच जाएंगे। नियम है, मैंने तो नहीं कहा कि जाओ जाके नाश्ता खाओ, पर कई लोग तो घंटी की इंतजारी कर रहे होते कि बजे तो सही, वो दरवाजे पर बैठे होते हैं, भूख लग जाती है अब कईयों को ज़्यादा। हमारा कैफ़े जल्दी नहीं खुलता है, कैफ़े समय पर खुलता है, उन्हें भूख जल्दी लग जाती है, तो कहीं इंतजार ही कर रहे होते कि बस बजे सही घंटी, थाली कटोरी चम्मच लेके वहीं बैठे, तुरंत गए और खा लिया। ऐसे ही दोपहर में फिर भूख लग गई, फिर पहुंच गए, जैसे ही बेल बजी तो 12:30 से लेके 1:30 बजे तक भोजन। अब भूख लग रही है, आप खा रहे हैं, कोई कह थोड़ी रहा है आपको खाओ, किसी की मम्मी साथ नहीं आई जो कहे कि बेटा खा ले। अब खुद ही अपनी मम्मी बन के समय पर भोजन खा लेते हैं सब लोग, और फिर 4, 3:30 चाय की तलब लग जाती है, किसी को कॉफ़ी की तलब लग जाती है, तो वो उस समय में सब यहीं कैफ़े में पाए जाते हैं, चाय के दीवाने पी रहे होते। अब किसने किस ग्रंथ में लिखा है कि रोज़ चाय पीनी चाहिए, बताओ मुझे? कहीं नहीं। किस महात्मा ने आपको उपदेश दिया रोज चाय पीनी चाहिए? किसी ने भी नहीं कहा है, पर फिर भी लोग चाय पीते हैं क्योंकि भूख लग जाती है, तो उसकी जरूरत महसूस होती। तो साधना किसको कहते हैं? जब आपके अंदर भूख साधना की लगने लग जाए कि मुझे जप के लिए बैठना है। अगर गुरु के कहने पे तुम कर रहे हो, बकवास बात, कोई श्रद्धा नहीं इसमें। मैं नहीं मानती इसको कोई बड़ी बात है कि मैं बोलूं ये करो और तुम फिर करो। जिस दिन तुम खुद चुनते हो, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये भूख जाग जाती कि मुझे साधना करनी है, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये पीड़ा जग जाए कि मुझे आसन करने हैं, आसनों को परफेक्ट करना है। एक आसन करना होता है, एक आसन परफेक्शन से करना होता है, एक जप करना होता है और एक जप बिल्कुल मन लग जाए, एक ऐसा भी जप होता है। तो अधिक लोग मजबूरी में करते हैं, खासकर जब आश्रम में ठहरे हुए होते कि जी करना पड़ेगा। अच्छा, अब कई लोग बड़े ढीठ हैं, वो सुबह में भी फिर यहाँ रह के भी नहीं करते, वो सोते रहते हैं अपना। तो उनकी मर्जी है, जिंदगी उनकी है, जो चाहे वो करें, नो प्रॉब्लम। पर अंदर से भूख लगे और ये ज़रूरत होए कि आई हैव टू डू इट, मुझे ये करना है। तो जब ये भाव अंदर से जमता है तब हम एक अच्छे साधक हो जाते हैं। तो सवाल इसका नहीं कि हम 1 घंटे बैठे हैं, आधे घंटे बैठे, कितनी देर प्राणायाम करें, ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए। योग के अनुसार अगर चले तो हठ योग प्रदीपिका कहती 4 घंटे 36 मिनट एक समय पे बैठे, 4 hours and 36 minutes is the direction for what an asana should be taken. So meaning once you have taken the asana, then you sit for 4 hours and 36 minutes in one stretch, in one go. The day that happens, your asana is siddha, accomplished, perfect asana. Now to sit for 4 hours and 36 minutes, you have to have that much endurance, that much bhakti, that much devotion, that much fire in you. अब जैसे कई बार लोग हमारा सीडी इस्तेमाल करते हैं कि राम स्तुति लगा लिया तो राम स्तुति चल रही, राम मंत्र हो रहा है तो उसमें कीर्तन हो रहा है, उसमें मंत्र उच्चारण हो रहा है, हो रहे। जहाँ सीडी ट्रैक खत्म हुआ, इधर ट्रैक खत्म हुआ, इधर उनकी आँख खुल जाती। तो मतलब जैसे वो इंतजार ही कर रहे थे कि बंद होए तो हम आँख खोल लें। और कई हैं वो कैलकुलेशन करते कि अच्छा ये वाला जो अब हिस्सा आया ना, इसके बाद तो खत्म है। पर होना ये चाहिए कि जब म्यूजिक ट्रैक चल रहा है, आप सुन रहे हैं सीडी से या फोन से सुन रहे हैं तो वो आपको सहायता दे रहा है करने के लिए। अच्छा सीडी खत्म हो गई, ट्रैक खत्म हो गया, कोई बात नहीं, आपका मन अब डूब चुका होना चाहिए अंदर। तो ट्रैक खत्म हो जाए तो उसके बाद अगर तुम फिर भी एकाग्रता से बैठे हो और टिके हुए हो तो इसको हम सही बैठना कहेंगे। ऐसे ही प्राणायाम है। अब जो शुरू में आते हैं तो मैं कहती हूँ कि कम से कम 21 बार करो पहले नाड़ी शोधन, फिर उसके बाद कुछ और करो। तो बिल्कुल शुरुआती बात है ये। और सांस की अवधि जो है वो लंबी होनी चाहिए ये, और सांस लंबी होए और सांस को जब छोड़े तो उसमें जल्दबाजी ना होए। अब ये सब करते रहने से तो ऐसे हो गया कि करते हैं तो ठीक है, जहाँ करना का इंस्ट्रक्शन नहीं आया तो वहीं आँख खुल गया या उठ के बैठ गया या गिनती कर रहा था कि बस सब तो 27 होने वाला, बस यहाँ 27 पूरा हुआ, ये हम उठ गए, ये म्यूजिक खत्म हुआ, ये हम उठ गए। तो इसका मतलब अभी तो तुम बैठे ही नहीं, क्योंकि तुम तो हिसाब लगा रहे हो कब उठे। तो शुरू में एक अवधि मुझे जरूर देनी पड़ती कि कम से कम बैठने का थोड़ा अभ्यास हो जाए। पर होना ये चाहिए कि बाद में अगर अभ्यास ठीक हो रहा है और मन ठीक लग रहा है तो फिर तो जितना बैठ ले उतना ही कम। सांस लंबी रहे, सांस गहरी रहे, सांस संयमित रहे और आपका मन शांत और एकाग्र रहे, तो लक्ष्य तो वही है। अब वो ऐसे भी हो सकता है कि आप कुछ समय जप करते हैं, मंत्र करते और मन टिक गया तो बस टिक ही गए। तो उसमें घड़ी की चिंता नहीं करें कि 27 मिनट हुए हैं कि 1 घंटा हुआ, तो जब तक बैठ सकता है तब तक और बैठे। अब जो रिटायर्ड है या जिसके पास समय है वो तो दे सकता है समय। जिसके पास समय कम है और जॉब पे जाना है, नौकरी पे जाना है या कुछ और करना है तो उसको तो देखना ही पड़ेगा घड़ी को। पर जैसे अब आप रिटायर्ड हैं, कोई जल्दी नहीं है, तो पेट जो है वो हल्का रखे और सुबह चूँकि खाली पेट है तो जितना वक्त बैठ सकने की संभावना उस समय है वो शायद बाकी समय में कम होती। दोपहर भोजन किया हो तो भोजन से आलस्य आ जाता है और कुछ भारी खा लिया तो पेट में वायु बन गई, एसिड हो गया, तकलीफ हो गई, तो थोड़ा बैठना कठिन हो जाता है। तो सुबह और शाम का जो भी समय तय करे आदमी, खुद से करे, तो उसमें अब आप अवधि के प्रति मत जाइए, गहराई की तरफ जाइए। हम कितने गहरे उतरे वो मन की एकाग्रता, मन का ठहराव कितनी जल्दी हुआ। और अगर नहीं हो रहा मान लो तो उस समय थोड़ा सा विश्लेषण जरूर करें कि क्या ये कोई मन की आसक्ति है जिसकी चिंता आ गई है, या कोई अधूरी इच्छा है जो अंदर नागनी बन के डस रही है, या तुम्हारे अहंकार को कोई चोट लग गई है, किसी ने कुछ कह दिया तो बात बुरी लग गई तो अंदर चुभ रही है और मन अंदर जाने की बजाय वही बात याद करे जा रहा है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ये क्यों किया। तो अगर मन किसी चीज में अटक गया या किसी व्यक्ति में अटक गया, माने मन फंस गया ना कहीं, तो फिर मन लगता नहीं है। तो समय का जो बोध है जिस दिन ना रहे तो जानना अब साधना अच्छी होने लग गई कि आप बैठे और कालातीत ईश्वर का ध्यान करते हुए काल का स्मरण तो रहना ही नहीं चाहिए। मैंने एक स्वामी जी को देखा था, वो गंगा किनारे रहते थे, तो वो आसन बांध के वो बैठ जाते, तो बैठे 2 घंटा बैठे। अच्छा, फिर आँख खोली उन्होंने तो टांगे खोल ली और अब खोल के टांगे बैठे। फिर लेट गए तो लेटे में भी ऐसे ही जैसे ध्यानस्थ हैं वो, तो यूँ तो लेटे हैं पर मन अंदर अभी भी टिका हुआ है। फिर उठ गए और अपना कमंडल लिया और आश्रम में भिक्षा लेने चले गए अन्य क्षेत्र से, भिक्षा लिया। किसी से बात नहीं करना, इधर उधर देख नहीं रहे, कुछ लेना नहीं देना नहीं किसी से, और शरीर है, भूख लगेगी तो कुछ खाना तो पड़ेगा। तो भिक्षा ली और बैठ के खाया, अपना बर्तन धोया, वापिस अपने उसी जगह में आके फिर से बैठ गए। किसी से ना मिलना ना जुलना, ना आवे ना कोई जावे। तो इसको कहते योगी अपने में रम गया है। अब तो जब सरकार रिटायर्ड कर देती है ना, वो कहते आप बस करो दुनिया के काम, घर बैठो। तो आप जब सरकार नहीं बैठा दिया है तो अब आप अपने अंदर बैठो। तो समय की गिनती ना रहे अब कि कितना समय बैठे, या इतनी देर करे प्राणायाम, कितनी देर करे प्राणायाम। तो जब तक अच्छा लगे, किसी दिन हो सकता है 1 घंटा अच्छा लगे, किसी दिन हो सकता है 1.5 हो जाए, किसी दिन हो सकता है आधा घंटा हो जाए। सवाल उसके नहीं है, सवाल यह है कि जब हम बैठे तो एक गहराई आ जानी चाहिए और भीतर के सुख का व्यसन जिसको लग गया ना, उसके बाहर के सारे व्यसन छूट जाते। व्यसन समझ रहे हो? व्यसन मीन्स बैड हैबिट्स। If you have any bad habit, then you should not fight with the bad habit. Just go in silence. Just go in the inner space where the mind is still, and mind is quieter, and mind is joyous. And very soon, your all bad habits will just drop away, like a dried leaf just drops from the branch of the tree. It will just drop away. You don't need to worry about, oh, I have this bad habit, and pull yourself down. Oh, I have that bad habit, and pull yourself down. No need to do that. Just accept it. I have a bad habit. No problem. Let's do something greater and better and higher and divine. As you will go deeper in your sadhana, the bad habits will just drop. It will drop. So never do over-analysis of your own mind. It's good to know how good or bad your mind is. You should know. But you should not do over-analysis to make yourself filled with the inferiority complex. That, I'm a bad person. No, don't do that. Just accept whatever bad is there. And then create that space where mind rises from these negativities and limitations. And every person has certain flaw, certain imperfection, certain negativity. So, once in a while we should always check in our mind, what flaws my mind has. When somebody else will say, you have this flaw, you will be very angry on that person. How dare you? You say this to me. But if you recognize your own flaws, then you become a wiser person, a better person. And you just work on creating that inner space of beauty, of love, of music, of prayer, of celebrating the life, what you have. You're lucky you are alive. See those unfortunate ones who have died or are on the deathbed, and you are kicking with life. So be thankful for this moment of life which you have in your hand. Very important to rejoice the life what you have. Very important to celebrate the moment which you have in your hand. So not complaining, not getting into bad memories, not looking for flaws in other people. No. And always being very vigilant about your own mind flaws. But not to feel bad about it, but just to realize, okay, this is not right, okay, let's fix it. तो जीवन में ऐसे पल आते हैं जब कभी मन बुरा हो जाता है, बुरा कर्म भी कर जाता है, झूठ भी बोल जाता है, परिस्थितियां, डर, डर की वजह से आदमी सब गलतियां कर जाता है, पर परिस्थितियां और आवेश में आकर के किए गए भूल से तुम गलत नहीं हो। परिस्थितियां या आवेश में की गई गलतियां सिर्फ भूल हैं बस। तो दूसरा करे तो उसके लिए भी यही तर्क होना चाहिए कि भूल हो गई, और खुद से हो जाए तो भी अपने आप को कि भूल हो गई। ये एक लाइसेंस नहीं है कि हम फिर और ज्यादा भूलें कर सकें कि बाद में हम कह लेंगे कोई नहीं भूल हो गई। इट्स नॉट दैट। पर भूल क्या, कभी कभी अपनी गलतियां सोच सोच के हम खुद बहुत टूट जाते हैं। हम अपने आप को एक कमजोर, एक बेकार इंसान देखने लग जाते हैं। तो साधना सिखाती है हमको ये कि अच्छा है वो भी मन का हिस्सा है, बुरा है वो भी मन का हिस्सा है। अब आपको बुरा वाला हिस्सा नहीं चाहिए तो अच्छे वाले हिस्से पर काम करते रहिए। तो जितना अभ्यास में बैठेंगे, जितना जप में बैठेंगे, उतना ध्यान में उतरना आसान होगा। जितना प्राणायाम करेंगे, मन उतना स्थिर होता चला जाएगा। अब बीच में कभी कभी अस्थिर हो गया तो आपको लगेगा अरे कोई बात नहीं, मुझे स्थिर करना आता है, नो प्रॉब्लम। दिक्कत तब होती है जब हमें अपना मन स्थिर करना ही ना आता हो, और मन बिगड़ा तो बस बिगड़ा ही है, और फिर गिरता ही जाए, गिरता ही जाए। तो नित्य साधना करते रहने से ये बल अंदर बढ़ता है, ये वो ओज बढ़ता है भीतर, इसे हम ओज बोलते हैं। इससे हमारा व्यक्तित्व अच्छा होता है, सुंदर होता है। तो थोड़ा ये एक भाव रखते हुए जब हम साधना करते हैं तो अंदर से क्या एक उत्साह रहना चाहिए, एक खुशी रहनी चाहिए कि हम इतना चले हैं तो आगे भी चलेंगे। थोड़ा कभी गिर गए कोई बात नहीं, जैसे बच्चे गिर जाए तो क्या बोलते हैं, अरे उठ जा उठ जा, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, ये देखो सब ठीक है सब ठीक है। तो बच्चे को थोड़ा बहला दो इधर उधर की बात करके ना, तो वो रोना छोड़ करके वो भी बोलने लग जाता है, हाँ सब ठीक है ठीक। मन भी बच्चे जैसा है। तो कभी कभी जब गिर जाता है तो उसको यही कहो कि चल बेटा उठ जा, अब कोई बात नहीं, जो होना वो हो चुका है, भूल हुई क्षमा मांग ले, आगे के लिए थोड़ा सजग रह ले। और भूल जिंदा इंसानों से होती, मुर्दे कोई भूल नहीं करते। देखो कैसे चुपचाप पड़े रहते, सीधे। Once you are dead, you will not be doing any mistake. As long as you are alive, you will be doing mistake. So give some space to yourself. Last thing, important one, don't try to please people. Please don't do that. Take care of your own mind. People can never be pleased. That's a very defeating point. So do what your wisdom allows you to do. And allow yourself to take some risk in your life. Don't be too protective and secure all the times. And don't be too dependent on people, what they will say about you. To stability of mind comes with consistent sadhana. Just practice what you do. It is required to be done with consistency and great passion. और जैसे कोई खाने की अच्छी चीज बने ना रसोई में घर में जैसे बारिश हुई किसी ने कहा जो मालपुए बनाओ अरे हाँ कैसे से एकदम सब उत्साह आ जाता हाँ बनाओ 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 किसी एक्साइटमेंट आ जाती है ये मुझे चीनी नहीं है मैं अभी लाया दौड़ के अभी कह रहा था सिर्फ दुख रहा है थका हुआ हूँ काम करके आया हूँ दफ्तर से और जैसे मालपुए का नाम सुना जूता डाला पति फटाफट से पहुंच गया मार्केट और चीनी ले आया और ये नहीं है तो ये भी ले तो सब तो खाने की चीज़ में कैसी एक इंटरेस्ट होती है ना लोगों की एकदम त्वरा आ जाती है एकदम मस्ती आ जाती लोगों को खाने में बड़ी मस्ती आती You know, give people good food and their moods get uplifted. That is why in ashram we have great tasty food every day. Because I know if me, I cannot uplift you, at least my food will. And I know of so many people who say this, that the food in ashram is so delicious. And somebody was saying, can we have a kind of a recipe book of ashram? You know, all those things which are made here, they're so well and good. And I know of so many husbands who yell at their wives, why can't you cook the way ashram cooks the food? And she said, I'll kick you out, you go and live there and eat that delicious food, don't come back home. And he said, my bags are packed. Please go ahead. So food uplifts our mind. So that's why it is very important to have good food, nutritious food, sattvic food, and always keeping mind in high spirits without taking spirits. Got the idea? The UK guys will get it. No spirits, but spirited. Yeah, no spirits, but very spirited. Right, Mayank? Yeah, no spirits, but I'm very, very... I know one time I was in a flight. One anecdote. The air hostess comes and as I boarded, I was in business class. So I don't do any business and yet I travel business class. So the lady came with the tray of champagne. And she said, that's the best bubbly which we have. I said, no, thank you. And I don't know why, what came on her. She said, please have it. I said, no. She said, I think so it's a Merlot or something, some brand. And she said, it's an old wine. It's one of the best coming from the French, you know. I said, it must be, but I am not interested, thank you. She said, you don't like, okay, you like some spirit? I said, I am very spirited already. Well, she meant hard liquor, whiskey, scotch. I said, no, I am very spirited. Now, she thought I am drunk already. She said, okay, you're your doctor must have limited, you know, that many drinks only. I said, no, thank you. So it was a long flight. So after 3 hours, she again comes. You know, when they serve the food, they again bring the wines. So again, she says, what will you have? I said, water. She said, but wouldn't you drink wine? I said, the moment I touch the water, it will turn into wine. You watched, and she said, but what do you mean? I said, well, I'm a miracle person. Because if you relish a sip of water with great love, that sip of water will turn into wine. So I said, thank you very much. So, and then at 7th hour, she comes to me with a very serious face, and she says, oh, you don't like our wine selection. So this is the feedback form. Please give us names of what labels you like. Maybe, you know, what we are offering is not of your, you know, standard. I said, sure, I can give the feedback, but the thing is, what I drink doesn't come in a bottle. She couldn't get me. So I pulled her leg for quite a while, and then her boss came, you know, the boss of all the air hostess. So the boss came, and then he said, ma'am, please, can you just help us? We wish to, you know, serve our very esteemed passengers greatly, and I have seen that you have been traveling with this particular airlines for all quite a lot. So we would like to serve you better. So if you can help us and give us the names of the brands or the labels, then we can upgrade that and we can do that. I said, well, my guy, sorry, I cannot reveal that. It's very secret. It's a secret because mystics don't reveal secrets to passerbys. No, I'm not going to reveal that. Poor guy couldn't get me at all. So, but always be spirited, right? Always be spirited. साधना की मस्ती में रहने से ये जो एक दिव्य शराब तुमको अंदर से मिल जाती है, तो मन एकदम मस्त हो जाता है. ना रुपया खर्च करना पड़े, ना गिलास चाहिए, ना बर्फ चाहिए, ना सोडा चाहिए. ज्ञान सारा है, चिंता मत करो. तो उसकी कोई जरूरत नहीं होती है. मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है. तो ये जो मस्ती है ना, ये अंदर वाली मस्ती बड़ी अद्भुत होती है. तो ये मस्ती के साथ जिए कोई, तो साधना का स्वभाव हो जाना चाहिए. साधना का समय नहीं, साधना का स्वभाव हो जाना चाहिए. सेवा का कारण नहीं, सेवा करना एक स्वभाव हो जाना. हम एक सेवा करते हैं क्योंकि हमें करनी अच्छी लगती है. तो ऐसे हम साधना करते हैं क्योंकि साधना करनी अच्छी लगती है. तो स्वभाव सहजता से, शांति से, समर्पण से, प्रेम से, श्रद्धा से, वैराग्य से जब आप करते हैं साधना, तो उसके बड़े मीठे मीठे फल हैं जो मरने बाद नहीं, जो अभी अभी जीते जी तुमको प्राप्त होने लग जाते हैं.